हेलो एवरीवन, तो इस मार्च मंथ में बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है और पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की पोस्ट लगभग हर केंद्रीय विद्यालय में खाली है। तो ऐसे में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर कैसे बने और उसकी क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, आइए जानते हैं हम उन टीचर्स से जो कि इस वक्त केंद्रीय विद्यालय में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर प्राइमरी क्लासेस को देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वप्निल और मैं यहाँ केवी में एज अ पीआरटी कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले मुझे जब इसके बारे में पता चला, एडवर्टाइजमेंट मुझे यहाँ का मिला कि एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, तो फिर मैंने उस फॉर्म को फिल किया। यहाँ पे मेरा एक रिटन एग्ज़ाम हुआ जो कि मैक्सिमम 30 मार्क्स का था और अलग अलग क्राइटेरिया, मतलब CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे और जो कि नॉर्मल थे, बेसिक थे, जो आप अपनी तैयारी करते हुए आ रहे हैं अब तक की, उसी से रिलेटेड आपकी वो तैयारी यहाँ पे काम आ जाएगी रिटन एग्ज़ाम के लिए। उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने एक 20-20 मार्क्स का क्राइटेरिया रख दिया था, फिर उसी के बेसिस पे बच्चों को सेलेक्ट किया गया, इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू भी हार्डली बहुत ज़्यादा मेरा मुश्किल तो नहीं हुआ था, बट मैं थोड़ा सा नर्वस थी उस जगह पर क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था केवी में इंटरव्यू। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, अपना आराम से रिलैक्स माइंड होकर के इंटरव्यू दीजिए। और कॉन्ट्रेक्चुअल है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग नॉर्मली आपको एज अ मतलब यंगस्टर की तरह देखते हैं, तो मतलब बहुत बेसिक सा इंटरव्यू आपका लेते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड लेंगे भी नहीं आपका, बस आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पे कैसी होती है उसको मायने रखता है। बस मेरी यही थोड़ी सी गलती हुई थी, उसकी वजह से मुझे लगता है ये आपको नहीं करनी है, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आपको नहीं करनी है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ले करके जाना है वहाँ। अच्छा, तो मैम एक बात और बताइए सभी व्यूअर्स को कि जब आप आए थे एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए, चूँकि कॉन्ट्रेक्चुअल की जो पोस्ट हैं वो बहुत ही लिमिटेड रहती है, कम रहती हैं संख्या में, और जो कैंडिडेट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा भीड़ देखते हैं तो वो ऑलरेडी अपना कॉन्फिडेंस जो है वो खो देते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो उसके लिए जो जिसने कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं लिया है, ऑलरेडी किसी संस्थान में नहीं पढ़ाया है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा बस यही कहना है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर जिस इंसान के अंदर है, तो अगर उसने भले ही पढ़ाया हो ना पढ़ाया हो, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है और आपका सामने वाला आपसे क्या पूछना चाह रहा है, एक आपको भी पता है कि आप एक छोटे बच्चों को डील करने वाले हो, तो आपका भी माइंडसेट वैसा होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि मैं तो मतलब बड़े बच्चों को ही डील कर सकता हूँ, या छोटे बच्चों के हिसाब से डील करिए, ये आपके अंदर बस होना चाहिए जी। तो मैम क्या आप दोनों का इससे पहले कोई टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था केवी में। मैं तो खैर डील कर चुकी हूँ, मैं पहले भी मेरा 3 साल का स्कूल प्राइवेट स्कूल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, केवी में मैंने फिर उसके बाद दिया, तो ये मेरा थोड़ा सा प्लस पॉइंट था, मैंने ये चीज़ को वहाँ पे क्लियर बताया था, उन्होंने मुझसे पूछा था, तो उसके बेसिस पे ये मुझे थोड़ा सा प्लस पॉइंट मुझे लगा। लेकिन हाँ, ये है कि वो लोग ये भी देखते हैं कि अगर आप अभी नए हो और आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो आपके उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो लोग प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा, कि आप उनको अपना कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, बेस्ट हाँ, सकते हो, कितना आप अपना बेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, जैसे गरिमा मैम, आपने जब यहाँ पर ज्वाइन किया था तो इससे पहले आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था? दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओके, तो जब आपका इंटरव्यू हुआ था, जब आप आए थे और इंटरव्यू पैनल ने आपसे कौन कौन से सवाल किए थे? इंटरव्यू पैनल ने सबसे पहले तो वो हर किसी कोई भी कैंडिडेट होता है, पोयम सबसे मस्ट है, आपको फर्स्ट क्लास में हिंदी या इंग्लिश या कोई भी क्लास वो बताते हैं, आपको पोयम मस्त तैयार करनी है। उसके बाद वो किसी भी सब्जेक्ट, EBS, इंग्लिश या मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे मुझसे पूछा था EBS में पूछा था ट्रैफिक रूल, मतलब बच्चों को ट्रैफिक रूल पढ़ाना है और पोयम फर्स्ट क्लास में और थर्ड क्लास में मुझे पोयम पढ़ाना था, तो आपको सबसे पहले पोयम तो तैयार करनी है जो सबसे नेसेसरी है हिंदी और इंग्लिश की। मेरा इंटरव्यू एवरेज था, ज़्यादा अच्छा तो नहीं था क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू भी था। ओके, तो मैम आप ये बताइए कि जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने थे और इंटरव्यू पैनल ने आप दोनों से सबसे पहला जो क्वेश्चन किया है वो क्या किया है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेरा भी था सबसे पहला, कि आपकी टीचिंग कहाँ से हुई है, आपने अपनी स्टडीज़ कहाँ से करी हैं, बस ये बेसिक सबसे पहला इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाता है। ओके, और मैम आपसे? मुझसे भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन और कोई मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये
मेरे पास कंप्यूटर का एक्सपीरियंस था तो मुझसे कंप्यूटर का एक्सपीरियंस पूछा था कि आपने कहाँ से किया, कि वन ईयर का है तो आपने वन ईयर में कितने दिन ज्वाइन किया, या इस तरीके से क्वेश्चंस किए थे। ओके तो मैम आपका जो इंटरव्यू हुआ था वो कौन सी लैंग्वेज में हुआ था? बाइलिंगुअल होता है। अच्छा, दोनों भाषाओं का, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का था। उसमें कंफर्टेबल आप उसमें आंसर दीजिए, अगर उनको लगेगा कि उन्हें इंग्लिश में आपसे आंसर पूछना है या सुनना है, वो आपको खुद ही बोल देंगे कि आप इंग्लिश में आंसर करिए या हिंदी में आंसर करिए। तो आपको जैसे आप कंफर्टेबल हो आप उसमें आंसर दीजिए, ठीक है। वो सामने वाले पे डिपेंड है कि वो आपसे किस भाषा में आपसे पूछना चाहते हैं। मैम जब आप इंटरव्यू के लिए आए थे तो क्या आपको कोई फॉर्म भी फिल करना पड़ा था? हाँ, यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया था जिसे फिल करना था। उसमें एकेडमिक फिल करना था, अपना नाम भाई जो जनरल होता है, और उसमें एक नोट लिखना था केवी क्यों ज्वाइन करना है, आपके मतलब केवी आपको जॉब या टीचर एज अ टीचर क्यों रखे, आप इसलिए ये बताना था कि आप बेस्ट क्यों हैं केवी के लिए। अच्छा, बस ये फिल करना था, मतलब एक शॉर्ट नोट लिखना था। तो क्या वो आपसे अंदर इंटरव्यू पैनल ने पूछा भी था? हाँ, जैसे कुछ कैंडिडेट्स थे जिनसे पूछ रहे थे, या कुछ कैंडिडेट्स उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहे थे। ओके, तो क्या आप दोनों से डेमो क्लास करवाई गई थी? जी, डेमो क्लास क्या मुझसे तो नहीं कराई थी, बस हाँ मुझसे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं हिंदी लाइक इंग्लिश, और उनके वर्ड्स बस ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दिए गए थे, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर, तो बस इतना ही था। मेरा कोई ऐसा डेमो क्लास मेरी नहीं हुई थी। अच्छा, तो आपसे डेमो क्लास में वो ट्रैफिक रूल के अलावा और भी कुछ रूल, मैथ्स के क्वेश्चन, जैसे बच्चों को प्लस माइनस देना है बट उसे कुछ फनी वे में पढ़ाना है, तो ये डेमो क्लास हुआ था, ये पूछा था, और ट्रैफिक रूल, और बाकी ओरली पोएम पूछी थी। ओके, तो मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है उन सभी के लिए जो व्यूवर्स देख रहे हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो चाहते हैं कि केवी में जॉब करें एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, पर उनके मन में एक हेजिटेशन रहता है कि केवीएस जो है एक बहुत बड़ी संस्थान है, एक अपने आप में एक ब्रांड है, तो क्या वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो पाएगा एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर? क्या वो जा पाएंगे केवीएस उन्हें क्यों ज्वाइन करे एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, है ना? तो इतनी सारे लोगों में, हजारों की संख्या में, कहीं कहीं केवी में तो एक एक पोस्ट के लिए लोग अप्लाई भी करते हैं, तो ऐसे में कुछ टिप्स बताइए उन कैंडिडेट्स को जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर बनना चाह रहे थे केवी में, और उनके लिए बेनिफिट रहा है। देखिए, सबसे पहले तो कि हम ही यहाँ पे खड़े हैं, ये चीज़ हमको भी पहले नहीं लगती थी कि हम यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क कर पाएंगे, केवी में जुड़ पाएंगे, भले ही कुछ टाइम के लिए जुड़ रहे हैं, लेकिन हमें एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए भी है कि हम केवी में काम कर चुके हैं, हमारे पास केवी का एक्सपीरियंस है। तो ये आप बिल्कुल भी, जो भी अभी यंगस्टर आएंगे यहाँ पे ज्वाइन करने का सोचेंगे, तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हमारा नहीं होगा, एटलीस्ट आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा यहाँ पे आने का, यहाँ पे डेमो क्लास मतलब इंटरव्यू देने का, तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए बेनिफिशियल हैं। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया, मतलब इंटरव्यू में ऐसा बता दिया हो जो कि और ना बताए, ठीक है, तो वो आप अपने अंदर बस वही सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी तैयारी अच्छे से हर तरीके से करके जाइए। आप इंटरव्यू के लिए पोयम तो बहुत ही नेसेसरी है, जो आपको 101% तैयार करनी है एक्टिविटी के साथ, एक्टिविटी के साथ, एक्शंस के साथ, कि हाँ अगर आप पोयम मतलब सामने वाले को डिलीवर कर रहे हो तो एक्शंस के साथ करिए तो ज़्यादा बढ़िया है। जब केवीएस का इंटरव्यू हो रहा था और इंटरव्यू पैनल में इतने सारे जजेस थे, तो क्या आपके मन में डर लग रहा था? बिल्कुल, सबके अंदर होता है, तो वो थोड़ा डर हमारे अंदर भी था, बट वो आपको इतना कंफर्ट कर देते हैं, पहले आपको अच्छे से कंफर्ट कर देंगे, देन वो आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। बट ये है कि थोड़ा सा तो नर्वसनेस होती है, बस आप उसको साइड में रख करके अपना इंटरव्यू अच्छे से दीजिए।